अब देखो ये है आपका वेस्टर्न वाला 3.2 का सवाल नंबर 7वां, ठीक है ना, जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस है। ठीक है, कंसेप्ट तो ये कुछ नहीं है, आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अगर ये आपको बोर्ड में नहीं पूछा गया होता और ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा होता और यहाँ पर एक्स की जगह कोई दूसरा दे दिया गया होता, ठीक है ना, वैसे नहीं दे दिया होता, लेकिन आप डायरेक्टली क्या कहते, देखिए इससे आप डायरेक्टली ये कह सकते थे टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स क्या हो गया। देखिए ध्यान में रखना है, कोई आपको याद रखने की जरूरत है, अगर याद नहीं है तो भी आप एक सेकंड या फिर 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगी। क्या करना है, इसका वैल्यू क्या होता है, वन है ना, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन x, ठीक है ना, 1 plus 10x upon 1 minus 10x, ये हो जाएगा, ठीक है इसका, और नीचे वाला का क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 1 minus 10x upon 1 plus 10x, ये हो जाएगा, बिल्कुल भैया यही हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए तो 1 plus 10x upon 1 minus 10x into क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1 plus 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक है ना, तो सेम सेम संख्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का होल स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, तो इस तरीके से हो जाता, लेकिन आपको पूछा गया बोर्ड में, ठीक है, तो हम बोर्ड में थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। सिस्टमैटिक ढंग से करने का मतलब क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं उन दोनों को आपको लगा लेना है, कैसे लगाना, देखिए आपको पता है कि टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, आपको ढंग से लगाना पड़ेगा, तो टेन ए प्लस बी होता है भैया टेन ए टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है ये होता है, ठीक है भैया टेन ए टेन बी होता है, मैंने टेन बी टेन ए लिख लिया कुछ नहीं, ठीक है, इसी तरीके से टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी क्या होता है, ये आपका होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है यही होता है क्या, अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है ये आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको फॉर्मूले को लिख कर आगे आपको करना पड़ेगा, क्या ऊपर आप ये वाला लगा लो प्लस वाला और नीचे माइनस वाला लगा लो, आपने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली तो ऊपर इस फॉर्मूले को लगाने के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स, ठीक है ना, टेन ए टेन बी आ गया अपॉन क्या आ गया, वन माइनस टेन ए टेन बी, तो वन माइनस टेन पाई बाई फोर 5/4 इंटू टेन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है, टेन ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी, सॉरी 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी, क्या बात समझ में आती है, हाँ भैया बात हमें समझ में आती है। इसको आगे हम सॉल्व करने जाएंगे देखिए किस तरीके से होगा, ठीक है ना, देखिए किस तरीके से होगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक है ना, 1 माइनस 10x डिवाइड बाय, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये है डिवाइड बाय 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ये आपका काम हो रहा है क्या, हाँ भैया अच्छे से काम हो रहा है, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने गए, ठीक है ना, उसको उल्टा करके ढंग से लिखने गए, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, क्या ये हो जाएगा, हाँ भैया ये हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, तो आपने लिख लिया 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये है आपके राइट हैंड साइड, तो ये आपका हो गया हैंड्स प्रूफ, ठीक है ना, हैंड्स प्रूफ हो गया, ठीक है ना, हबीब प्रिय आपका हो गया, ठीक है ना, हबीब प्रसाद जो भी आप बोलना चाहो ये आपका हो गया। इस तरीके से आपको करना है, आपका हुआ क्या, बस अगर वो उस वाले मेथड से करते इस वाले से आपका टाइम बच जाता, और अगर आपको लगता है कि चलो इसको क्या दिमाग में रखना हम इस तरीके से कर लेंगे, तो यह आपकी मर्जी, बाकी ये सारा सवाल इस तरीके से होगा, ठीक है, चलो तो इस तरीके से आज का ये आपका बढ़िया सा प्यारा सा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पूरा कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, हम इसे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हमारी पकड़ बनाते जा रहे हैं, और मैं वापस आपको सलाह देता जा रहा हूँ कि आप इस फॉर्मूले को लिंक आपस में करते हुए याद करते जाइए, बार बार इनको लिखते जाइए, बार बार बोलते जाइए, याद होता जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है भैया, इसके साथ आज का ये लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपको पसंद आ गया है तो यार दिल से एक लाइक ठोक लेना, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो और भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, और इसी तरह आगे भी आपको लाता आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँगा, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अभी बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू।